हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश सोनी सेंटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जयपुर से। दोस्तों, आज के लेक्चर नंबर 22 में हम लेके आए हैं एक्सटेंड कमांड। एक्सटेंड कमांड क्या होगा, किस तरह से यूज़ होगा, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो दोस्तों, एक्सटेंड पहले हम जान लेते हैं होता क्या है। एक्सटेंड ऑब्जेक्ट टू मीट द एजेस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, यू कैन शॉर्टर और लेंथन ऑब्जेक्ट टू मीट द एजेस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। तो अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये एक लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये ऑब्जेक्ट यहीं तक बना हुआ है, यानी आप देखेंगे तो ये ऑब्जेक्ट यहीं तक है। अगर आप चाहते हैं ये इस लाइन तक एक्सटेंड हो जाए, यानी इस तरह से बढ़ के ये कुछ इस तरह से यहाँ पे मिल जाए, तो उसके लिए आपको एक्सटेंड कमांड यूज लेना होगा। तो एक्सटेंड कमांड को किस तरह से यूज करेंगे वो हम देखते हैं। जैसे आपने ट्रिम मेथड में देखा था, ट्रिम मेथड के टोटल 3 मेथड थे, इसी तरह से एक्सटेंड के भी टोटल 3 मेथड हैं, टोटल 3 मेथड्स ऑफ एक्सटेंड। तो किस तरह से हम इनको यूज करेंगे, बिल्कुल वही यूज करेंगे जो हमने ट्रिम में देखे थे, वैसे ही इसके भी हैं। तो फर्स्ट ए मेथड जो है बाय लिमिट लाइन, यानी एक लिमिट लाइन आपके पास होगी जहां तक आपको उसे एक्सटेंड करना है, क्योंकि आपका ड्राइंग एरिया होता है वो इनफाइनाइट होता है और इनफाइनाइट तक ये ऑब्जेक्ट को नहीं बढ़ाएगा, यानी कोई लिमिट होनी चाहिए जिस तक आप उसे बढ़ाना चाहें, वो आपको स्क्रीन पर शो होनी चाहिए, यानी दिखाई देनी चाहिए। अगर स्क्रीन पर दिखाई भी नहीं दे रही है तो भी एक्सटेंड कमांड यूज नहीं होगा, यानी वहां पे यूज नहीं कर पाएंगे, आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट नहीं बढ़ा है। अगर आपको ऑब्जेक्ट बढ़ाना है तो सामने आपको लाइन या कुछ भी ऑब्जेक्ट दिखाई देना चाहिए जहां पे आपको उस तक बढ़ाना है वो ऑब्जेक्ट। तो किस तरह से यूज लेंगे लिमिट लाइन को, बाय लिमिट ईएक्स एंटर करना है आपको, इसका शॉर्ट कमांड होता है ईएक्स एंटर। ईएक्स जैसे ही आप एंटर करेंगे, फिर आपको सेकेंड स्टेप करना है सेलेक्ट लिमिट लाइन, यानी जहां तक आपको बढ़ाना है वो लिमिट लाइन होगी। वैसे लाइन ही रिक्वायरमेंट नहीं है, आप कोई भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं जहां तक उसे बढ़ाना है, तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जो उसके बिल्कुल सामने हो, तो वहां तक आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। उस लाइन को सेलेक्ट करने के बाद आपको एंटर करना है, एंटर करने के बाद आपको उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जिसको आप बढ़ाना चाहते हैं। तो ई एक्स एंटर सेलेक्ट लिमिट लाइन एंटर एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंड। तो इस तरह से करके वो ऑब्जेक्ट दूसरे जहां तक आपको उसे बढ़ाना है वो बढ़ जाएगा। इसके बाद सेकेंड मेथड आता है मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में हम क्या करते हैं, सेम उसी तरह से जिस तरह से हमने ट्रिम में किया था, ई एक्स डबल एंटर, यहाँ पे भी दो एंटर करने होंगे आपको ई एक्स के बाद, और फिर है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंड, केवल उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करिए जिसको आपको बढ़ाना है। तो इस तरह से करके आपका ऑब्जेक्ट आपकी मनचाही जगह पे, यानी जो सामने दिखाई दे रही होगी उस ऑब्जेक्ट तक बढ़ जाएगा। तो ये सेकेंड मेथड आप यूज कर सकते हैं। थर्ड बिल्कुल वैसा ही है, सिविल मेथड। तो सिविल मेथड में हम क्या करेंगे, ई एक्स सिंगल एंटर एंड सेलेक्ट होल ऑब्जेक्ट, यानी पूरे ऑब्जेक्ट को एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू एक्सटेंड, जिस भी ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे वो आगे जो भी उसे लिमिट मिलेगी वहां तक वो बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से करके हम तीन, जैसे हमने ट्रिम मेथड में यूज लिए थे, वैसे ही हम इसमें यूज करेंगे लिमिट लाइन, बाय लिमिट लाइन, मैकेनिकल मेथड एंड सिविल मेथड। तो तीनों मेथड आप यूज ले सकते हैं। अभी आप एक्सटेंड कमांड में हैं और नोट इसमें भी सिंपल वैसा ही है, यूज शिफ्ट सेलेक्ट टू ट्रिम। अगर आपको एक्सटेंड में रहते हुए ट्रिम रिक्वायरमेंट होती है तो आप शिफ्ट की दबाइए और उस पर क्लिक करिए, तो वो एक्सटेंड के जगह ट्रिम होगा, यानी ऑब्जेक्ट कुछ गलती से आपने एक्सटेंड कर दिया है और वापस ट्रिम करना चाहते हैं तो शिफ्ट की प्रेस कीजिए और उस ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर दीजिए। तो इस तरह से करके आप तीन मेथड से वो यूज कर सकते हैं। तो कई बार हमें रिक्वायरमेंट होती है, हमारा ऑब्जेक्ट छोटा बनता है, तो स्ट्रेच या लेंथन कमांड को यूज करने के बजाय हम एक्सटेंड कमांड यूज करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा आसान है और इजीली हो जाता है। उसके लिए चार ऑप्शन जैसे आपने लेंथन में दिए थे वैसा यूज नहीं करना होता, सिंपली आप कर पाएंगे इससे। तो इस प्रोसेस को आप करके देखिए, प्रैक्टिस करिए ताकि आप इसमें परफेक्शन ला सकें। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर नंबर 22 में इतना ही, और आगे के लेक्चर में हम और भी कमांड्स की बात करेंगे। दोस्तों, थैंक यू आज के लिए।